गुड मॉर्निंग ऑल गाइज, आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज हमारा मेन टॉपिक है जो कि अब तक हमने स्टॉक ग्रुप्स और स्टॉक आइटम पढ़ा, अब हम आज पढ़ेंगे स्टॉक कैटेगरी कि स्टॉक कैटेगरी क्या है, कैसे स्टॉक कैटेगरी को हम सिस्टम पर लेके आएंगे और स्टॉक कैटेगरी में हम कैसे वर्क करेंगे, हम उसका स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। जो आज हम थ्योरी के रूम में लेंगे वही आज फिर हम नेक्स्ट क्लास पर आपको प्रैक्टिकल के रूम में करके दिखाएंगे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक कैटेगरी कैसे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टॉक ग्रुप, जैसे कि हम कंप्यूटर लेते थे वो एक मेन ग्रुप आ जाता स्टॉक ग्रुप, क्या होता है स्टॉक ग्रुप में कंप्यूटर्स, और जब हम एक आइटम बनाते थे तो वो उसका आइटम पार्ट्स ले लेते, जैसे कि हम हार्ड डिस्क हो गई, माउस हो गया और कीबोर्ड हो गया, तो वो किस में आते थे ग्रुप में। अब कैटेगरी में क्या आएगा, अब कैटेगरी के अंदर हम आगे चलेंगे कि जैसे कि कैटेगरी के अंदर कि जैसे आप टेलीविजन ले सकते हैं तो कैटेगरी किसे कहा जाएगा, जैसे उनका नाम, जैसे पहले चलता था कि टेक्सला कंपनी का, फिलिप्स कंपनी का, तो ये जो ब्रांडेड कंपनियों के जो नाम है इनका कैटेगरी बना दी, उन कैटेगरी के नाम से उनको जाने जाने लगा कि ये कहा कि हमें तो भाई फिलिप्स का टीवी चाहिए या हमें बीपीएल टीवी चाहिए, तो जिस कैटेगरी का टीवी की टेक्सला था पहले, और ऐसे हम उन चीजों को लेकर आज हम उस चीज को लेकर आए हैं कि कैटेगरी क्या चीज है उसका एक्सप्लेन करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टॉक कैटेगरी, इन मेनी केसेस यू मे वांट टू क्लासिफाई द स्टॉक आइटम्स विच आर सिमिलर नेचर, मतलब कि जो आपका स्टॉक कैटेगरी है वो एक स्टॉक आइटम की तरह एक सिमिलर नेचर की होती है, जैसे कि एक स्टॉक आइटम्स होते हैं। स्टॉक आइटम में भी क्या होता है कि अलग अलग चीजें ली जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई मैंने ग्रुप के अंदर एक मेन ले लिया कंप्यूटर्स और फिर उसके अंदर में कीबोर्ड वगैरह ले लिया, तो एक सिमिलर जो स्टॉक कैटेगरी है वो सिमिलर इसी की भांति है। बट आर ग्रुप्ड अंडर डिफरेंट स्टॉक ग्रुप्स, और इसके अंदर जैसे कि जब आप स्टॉक ग्रुप बनाते हैं तो स्टॉक ग्रुप के अंदर आपने देखा होगा जब मैंने कंप्यूटर लिया तो कंप्यूटर के पार्ट्स लिए, इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं अदर आइटम मोबाइल ले लेता हूं, वहां कंप्यूटर लिया तो कंप्यूटर का आइटम लिए, अगर मैं मोबाइल ले लेता हूं तो मोबाइल का अलग अलग कैटेगरी, जो मोबाइल के जो सामान है, या हम ये कह सकते हैं कि उसमें जो कैटेगरीज है उसको हम आप किस में लेते, आइटम में लेते हैं। तो जैसे कि अगर मैं स्टेशनरी ले लेता हूं तो स्टेशनरी के अंदर जब आइटम बनेंगे तो मैथ की बुक्स हो गई, साइंस की बुक हो गई, एसएस की बुक हो गई, तो ये आपका स्टॉक आइटम में किया जाता है। इसी प्रकार आपका बट आर ग्रुप्ड अंडर डिफरेंट स्टॉक ग्रुप, जो आपका ये ग्रुप जिस प्रकार ग्रुप की भांति ही और स्टॉक आइटम्स जैसे वर्क करते हैं सेम उसी की भांति आपका स्टॉक कैटेगरी का कार्य होगा। अब आप देख सकते हैं कि टैली आरपी 9 यू ए फीचर, नेमली एक नया फीचर का नाम दिया गया, ये न्यू नेमली स्टॉक कैटेगरीज, क्या नाम दिया गया उसका, स्टॉक कैटेगरीज विच अलाउ पैरेलल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम्स टू सेपरेट कैटेगरीज बिसाइड ग्रुपिंग, यानी इसके अंदर जो स्टॉक कैटेगरी को जो सेपरेट कैटेगरी के अंदर बिसाइड आपका ग्रुपिंग की जाती है और जो उसके अंदर क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया जाता है, तो स्टॉक ग्रुप्स और स्टॉक आइटम्स को ध्यान में रखकर और उनको उस प्रकार उसको ग्रुपिंग की जाती है, जैसे कि हम उसको जब प्रैक्टिकल करेंगे और आगे थ्योरी लेके चलेंगे तो बहुत अच्छी प्रकार समझ आएगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया टेलीविजन हो गया तो अलग अलग कंपनी के नाम है वो आपकी स्टॉक कैटेगरी के अंतर्गत आ गई। अब फॉर एग्जाम्पल लेके चलता हूं, अब फॉर एग्जाम्पल में जो भी मैंने आपको थ्योरी के रूप में समझाया वही मैं आपको फॉर एग्जाम्पल में दिखा रहा हूं कि क्या यू मे ग्रुप टेलीविजन सेट्स, यानी हम एक टेलीविजन सेट ले रहे हैं, टेलीविजन सेट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, एंड टेलीविजन के जो विभिन्न साइज है वो यानी इंचीज के हिसाब से, जैसे कि 21 इंची का हो गया, तो डिफरेंट साइजेस बेस्ड ऑन देयर साइज, एग्जाम्पल 14 इंची का,
21 इंची का, 29 इंची का, तो ऐसे आप इंचीज के अकॉर्ड भी इसको विभाजित कर सकते हैं, सो ऑन बट हाउएवर, और इससे अधिक भी, जो इससे काफी बड़े भी होते हैं तो इससे अधिक कैटेगरी के भी इंचीज के भी हो सकते हैं। इफ यू आर रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स ऑन विच ब्रांड सेल्स मोर, अगर आपको अधिक मात्रा में अगर सामान बेचना है तो क्या होता है, हर व्यक्ति को छोटा होगा तो वो छोटा या इंची का टीवी खरीदना चाहेगा, थोड़ा और मोर देन होगा 36 इंची का खरीदना चाहेगा, और कोई होगा तो वो और भी हैवी खरीदना चाहेगा, तो जिस अगर आपको अधिक सेल करनी है तो अधिक सेल करने के लिए आपको अलग अलग वैरायटी, अलग अलग साइज में आपको वो प्रोडक्ट रखने पड़ेंगे। इन सच केसेस ग्रुप पैरेलल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम टू कैटेगरीज, अब मैंने आपसे कहा था कैटेगरीज, तो कैटेगरीज एग्जाम्पल क्या क्या हो सकती है, कैटेगरी में आपका सोनी हो गया, सोनी का टीवी जैसे पहले चलता था, पैनोसिक हो गया, पैनासोनिक, और फिर आपका एलजी हो गया, सैमसंग हो गया, फिलिप्स हो गया, एक्स्ट्रा मतलब इत्यादि। अब मार्केट के अंदर हर चीज की काफी कंपनियां होती है, क्योंकि आपको पता है कि अधिक से अधिक प्रोडक्ट लेटेस्ट मार्केट में आते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, हर बार नई जनरेशन, नई जनरेट्स, नए फीचर्स के मोबाइल मार्केट में उतरते हैं, तो इस प्रकार वो कहते हैं कि हमें तो इससे, जैसे कि आप एसी में लियोड का चाहिए या और सैमसंग का चाहिए, ऐसे मोबाइल के अंदर भी काफी कंपनी है, तो मार्केट में आपको अधिक सेल करनी है तो हर वैरायटी का सामान रखना पड़ेगा, हर साइज का सामान रखना पड़ेगा, तो वो इसके अंदर कहा गया है कि आपका कैटेगरी में क्या आएगा, कैटेगरी में आ जाएगा सोनी, पैनासोनिक, एलजी, सैमसंग और फिलिप्स एक्स्ट्रा। क्लियर पाए, इसे हम जो अलग अलग कंपनी का नाम है उसको इस कैटेगरी में हम डिवाइडेशन या विभाजित कर सकते हैं। इन टैली आरपी 9 यू कैन क्रिएट स्टॉक आइटम्स एंड ग्रुप अंडर द रेस्पेक्टिव ग्रुप्स एंड पैरेलली, तो जो आप टैली आरपी के अंदर स्टॉक आइटम्स और स्टॉक ग्रुप के भांति आप इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और कहते यू कुड हाउएवर, और आपको जैसे हो इंटरचेंज टू स्टॉक कैटेगरी, अगर चाहो तो आपको स्टॉक कैटेगरी के अंदर आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, और आप देखिए कि यू कुड हैव एवर इन द कैटेगरी स्टॉक ग्रुप बेस्ड ऑन द कन्वीनियंस रिपोर्टिंग द रिक्वायर्ड इन रिक्वायरमेंट, और आपको जैसी रिक्वायरमेंट हो, जैसा आपको आइटम लेना पड़े, जिस कैटेगरी का आइटम लेना पड़े, आप उसको आसानी पूर्वक ले सकते हैं। अब आता है आपके पास टू अनेबल टू स्टॉक कैटेगरी, हम स्टॉक कैटेगरी को अनेबल कैसे करेंगे, मतलब कि जब आप देखते हैं कि शुरू में ऑप्शन स्टॉक ग्रुप्स और स्टॉक आइटम्स वाउचर टाइप क्विट्स यही होता है, तो ये कैटेगरी आएगी कैसे, हम किस फीचर पर जाके और कौन सा हम ऑप्शन को दबाएं कि जब हम इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में एक स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन भी शो करने लगे, तो वो अनेबल कैसे करेंगे। अनेबल करने के लिए टू अनेबल स्टॉक कैटेगरी, तो जो फर्स्ट फीचर्स होता है वो क्या होता है आपका गो टू गेटवे ऑफ टैली, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे गो टू गेटवे ऑफ टैली पे गए, और फिर आप क्या करोगे F11 करेंगे, क्या करेंगे F11 चेंज ऑफ फीचर्स के लिए, जो मेनू मैंने आपको बताया, तो F11 से क्या होता है चेंज ऑफ फीचर्स, जब आप F11 करेंगे तो F11 करने के बाद वहां यहां उल्टे हाथ की तरफ आपका क्या होता है काउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और सीधे हाथ की तरफ आपका होता है इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन, जब आप इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे तो आपका वहां पे एक लिखा होगा साइड में सेट मेंटेन्स स्टॉक कैटेगरी, तो आप उस पर क्या करेंगे यस क्लिक करेंगे, क्या करेंगे यस क्लिक करेंगे, आप यस क्लिक कर देंगे तो आपका ये स्टॉक कैटेगरी आपका अनेबल हो जाएगा। उसके बाद आता है टू क्रिएट स्टॉक कैटेगरी, अब आता है कि हम जो आज जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं इस स्टॉक कैटेगरी को बनाएंगे कैसे, उसका बढ़ाने का तरीका क्या है, और उस स्टॉक कैटेगरी को बढ़ाने के लिए किस और ऑप्शन पर जाएंगे, और कैसे बनाएंगे, और उसमें स्टॉक कैटेगरी बनती किस टाइप से है, उस चीज को हम लेकर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं टू क्रिएट स्टॉक कैटेगरी, तो सबसे पहले क्या करते हैं स्टॉक कैटेगरी बनाने के लिए, जो फर्स्ट पेज होता है वो क्या होता है गो टू गेटवे ऑफ टैली, तो हमने गो टू गेटवे ऑफ टैली पे गए, फिर आप किस पे जाओगे इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन पे जाएंगे, और इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में जब आप यस क्लिक करेंगे तो वहां पे आपका स्टॉक कैटेगरी का भी ऑप्शन शो करेगा, तो इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन पे गए, फिर आप स्टॉक कैटेगरी पे जाएंगे, एंटर मारेंगे और वहां से क्रिएट करेंगे, तो ये आपका क्या है टू क्रिएट स्टॉक कैटेगरी, तो आप स्टॉक कैटेगरी पर आप जाकर इसको क्रिएट
कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका कि आपने कैटेगरी कर लिया, तो उसमें सबसे पहले करेंगे क्या, आपका आपने ओपन तो कर लिया, अब उसके बाद करेंगे क्या, आप सबसे पहले स्पेसिफाई द नेम ऑफ द कैटेगरी, आप कैटेगरी का नाम डाल लेंगे। अब कैटेगरी का मेन, जो मेन कि किस चीज का, जैसे मैं कहा टेलीविजन्स, तो मेन कैटेगरीज आपका क्या होगा, टेलीविजन्स, और टेलीविजन्स इसके अंदर मेन हेड डाल दीजिए। तो जैसे स्पेसिफाई द नेम ऑफ द कैटेगरी, कैटेगरी का स्पेसिफाई नाम दीजिए, जैसे भी जो एक मुख्य नाम। उसके बाद कहते हैं डू टू व्यू स्टॉक कैटेगरी रिपोर्ट्स, अब इसके हमने जो बना दी उसकी रिपोर्ट कैसे चेक करें, गो टू गेटवे ऑफ टैली पे जाएं, ये काम कब का है, इस रिपोर्ट देखने का काम जब आप कैटेगरी बन जाएगी, जब आपकी एंट्री हो जाएगी, तो आप देखना चाहते हैं जो हमने कैटेगरी बनाई है उसको हम कैसे देखें, तो उसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, टू व्यू, तो टू व्यू स्टॉक कैटेगरी रिपोर्ट, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले गो टू गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, वो फर्स्ट पेज पे चले गए। फिर कोई भी चीज देखनी हो तो आपको पता, हम डिस्प्ले पे जाते हैं, तो इसमें भी हम सबसे पहले डिस्प्ले पे जाएंगे, गो टू गेटवे ऑफ टैली पे गए, डिस्प्ले पे गए, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे गए, और आपका कैटेगरी पे गए, और आपने एंटर कर दिया, तो जो आपने कैटेगरी बनाई है वो आपकी कैटेगरी ओपन हो जाएगी। तो आपको समझ आया कि किस पे गए, गो टू गेट योर टैली, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन, स्टॉक कैटेगरी और क्रिएट। इसके बाद अब आपके पास बहुत बड़ा, जैसे बीएमजी मॉल है, हर तरह के प्रोडक्ट होते हैं, पर आप मेन कैटेगरी, जैसे कि आप एक आइटम कर लिया, आपने कंप्यूटर कर लिया, तो कंप्यूटर से रिलेटेड एक मेन कैटेगरी क्या हो गई, आपने ऊपर दबा दिया एक मेन कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो आपको हाईलाइट दिखाएगी। जैसे कि मैंने आपको यहां दिखाया, यहां पर एसेसरीज में डाल दिया, सीडी रोम वगैरह, वो मैं आपको आगे फॉरवर्ड दिखाऊंगा। तो वो एक कैटेगरी की सारी चीजें, अगर एक कैटेगरी के अंदर अगर मैं स्टेशनरी मैंने मेन हेड ले लिया, तो उस स्टेशनरी को डालता हूं, तो उसके अंदर जितनी भी मैथ की, इंग्लिश की जो भी बुक है, वो टोटल की डिटेल्स उस कैटेगरी के अंडर में शो करेगी। तो सबसे पहले आप यहां देख पा रहे हैं कि स्पेसिफाई द नेम ऑफ द कैटेगरी, स्पेसिफाई मेन, जैसा अगर आपको बनाना तो मेन, जैसे मैं स्टेशन ले लेता हूं, वो सारी बुक वो उसके नीचे अंडर में आ जाएगी। उसके बाद कहते हैं कि आपका ये हो गया, और हम उस मेन जो चीज है उसको एक को सिलेक्ट करेंगे और उसके अंडर में सारी चीजें आ जाएगी। अब आता टू सेलेक्ट द रिक्वायर्ड स्टॉक कैटेगरी, सेलेक्ट प्राइमरी डिस्प्ले टू स्टॉक कैटेगरीज, आपको जितना भी आपको जो आइटम की आवश्यक हो, आप काफी काम करें पर आपको एक मेन आइटम्स देखना है, तो उस मेन आइटम को देखकर आप उस पर करेंगे और वो आपका शो करेगा। अब आता है कि आप इसकी समरी कैसे देखेंगे, आपने जो काम किया उसकी डिटेल कैसे देखेंगे, उसको डिटेल देखने के लिए क्या करेंगे कि हम स्टॉक कैटेगरी समरी बनाते हैं, वो कंप्यूटर में बनती है अपने आप ही, आपको केवल जनरल एंट्री करनी है, और ये एंट्री करने के बाद स्टॉक ग्रुप वो समरी कैसे दिखाएगी। तो जैसे कि मैं एक फर्म का नाम ले लिया, यूनिवर्सल एंटरप्राइजेस, तो आप देख पाते हैं स्टॉक कैटेगरी सिस्टम समरी में यूनिवर्सल एंटरप्राइजेज हो गया, या यूनिवर्सल एंटरप्राइजेज 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023 का क्लोजिंग बैलेंस, पर्टिकुलर विवरण। एक्सेसरीज में ले लिया, जैसे मैंने सीडी रोम डिस्क 100C की ले ली, और सीडी रोम डिस्क 10C की ले ली मैंने। इधर मैंने क्वांटिटी ले लिया, इधर मैंने रेट ले लिया, इधर वैल्यू ले ली। क्वांटिटी के अंदर मैंने सीडी रोम जो 100C की है वो मैंने 5 बॉक्स लिए और 450 रुपये के हिसाब से, तो ये हो गए 2250 रुपये। ऐसे सीडी रोम डिस्क मैंने 10C वाली ली और वो 3 बॉक्स हो गए 77 रुपये 8 पैसे के हिसाब से, 231 रुपये 25 पैसा। तो ये जो डिटेल है ये आपकी किस में शो करेगी, आपकी कैटेगरी समरी में। तो आज ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि हम स्टॉक ग्रुप्स, आइटम्स, यूनिट ऑफ मेजर्स, ये सारी चीज़ पढ़ चुके थे, एक नया चीज़ थे कि स्टॉक कैटेगरी। तो आज मैंने सोचा कि आपके बीच में एक नई चीज़ लेकर आता हूँ, स्टॉक कैटेगरी। तो जो आज मैंने आपको थ्योरी के रूप में समझाई, अब मैं इसकी आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। आशा करता हूं कि आप, वीडियो छोटी जरूर है पर आपको वीडियो समझ आई होगी। जय हिंद, जय भारत।